नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अर्जुन सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का यह हमारा नुस्खा उन भाइयों के लिए है जो पूरी तरह नामर्द हो चुके हैं, जिनके लिंग में थोड़ा सा भी तनाव नहीं आता है और कुछ ही सेकंड में वीर्य भी बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने भाइयों के लिए आज मैं आपको शिंगरप बटी गोलियां बनाने के बारे में बताने वाला हूं, जिसके दोस्तों कुछ ही दिन इस्तेमाल से लिंग में भरपूर तनाव आता है और टाइमिंग भी दोस्तों 10 से 15 मिनट हो जाती है। और ये नुस्खा सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनके लिंग में बिल्कुल भी तनाव नहीं आता और टाइमिंग भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और जिनके लिंग में 50 से 60% तनाव भी आता है, तो वो भी मेरे भाई इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही तेज और ताकतवर दवा होती है जो सबसे लास्ट में ही दी जाती है, जब मरीज पर कोई भी नॉर्मल दवा असर नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये गोलियां बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूं। ये देखिएगा दोस्तों, ये शिंगरफ है, रूमी शिंगरफ, सबसे अच्छी क्वालिटी का, और ये शिंगरफ भस्म है जो इसी रूमी शिंगरफ से तैयार की गई है। और ये दोस्तों शिंगरफ बटी गोलियां हैं जो इसी शिंगरफ भस्म से तैयार की गई है। ये शिंगरफ भस्म दोस्तों आग के दूध में शुद्ध करके अंडों की जर्दी में बनाई गई है। इसकी खुराक दोस्तों सिर्फ इतनी सी होती है, लगभग एक चावल के दाने के बराबर, जो मक्खन मलाई या दूध के साथ में इस्तेमाल की जाती है। और जो भी मेरे भाई शिंगरप भस्म के बारे में जानते हैं या फिर जिन भाइयों ने इसे इस्तेमाल किया है, वो मेरे भाई इसका रिजल्ट अच्छे से जानते हैं। अगर आप बिना नुस्खा बनाए इसे सिंगल भी इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये बहुत बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। अब दोस्तों, शिंगरप बटी गोलियां बनाने के लिए आपने 5 ग्राम शिंगरप भस्म लेनी है जो अंडों की जर्दी में बनाई गई हो। वही इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे बेस्ट भस्म होती है। दोस्तों, 5 ग्राम शिंगरप भस्म लेने के बाद अब आपने 1 ग्राम कस्तूरी ले लेनी है। असली होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में पता नहीं लोग दवा के नाम पर क्या उठा के दे देते हैं। अब दोस्तों आपने 1 ग्राम असली अंबर लेना है। 5 ग्राम दोस्तों आपने केसर लेना है। 5 ग्राम असली शिलाजीत लेना है। 2 ग्राम असली ईरानी अकरकरा लेना है। 5 ग्राम लौंग, काली मिर्च और जायफल, तीनों चीजें 5 ग्राम लेनी है। तीनों चीजें दोस्तों मिलाकर के 5 ग्राम लेनी है, ना कि 5-5 ग्राम। और 3 ग्राम दोस्तों आपने सफेद कत्था लेना है। अब दोस्तों आपने ये सभी जड़ी बूटियां, शिंगरप भस्म नहीं डालनी है, सभी जड़ी बूटियां आपने खरल में डाल लेनी है सुखा करके, और उन्हें अच्छे से रगड़ के उनका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आपने उस पाउडर में अपना 5 ग्राम शिंगरप भस्म को डाल देना है। दोस्तों 5 ग्राम ही इसमें चांदी भस्म आपको डालनी है, 1 ग्राम स्वर्ण भस्म डालनी है, और 5 ग्राम ही दोस्तों आपने इसमें लोहा भस्म डालनी है। ये सभी भस्में दोस्तों आपने खरल में डालने के बाद इसे कुछ देर रगड़ लेना है, ताकि आपकी भस्में उस पाउडर में अच्छे से मिल जाएं। अब दोस्तों आपने इस दवा को घी कुआर डाल के रगड़ना है। घी कुआर मतलब एलोवेरा के अंदर का जो गूदा होता है, वो इसमें दवा में डालना है, और लगभग 3 से 4 घंटे इसे अच्छी तरह से रगड़ना है। 2 से 3 घंटे दोस्तों एलोवेरा में इसे रगड़ने के बाद जब आपकी ये दवा सूख जाए, फिर दोस्तों आपने इस दवा में अच्छी क्वालिटी का शहद या फिर बरगद का दूध डाल करके इसकी गोलियां बना लेनी है। दोस्तों हम तो बरगद के दूध में ही इसकी गोलियां बनाते हैं, लेकिन हम आपको शहद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बरगद का दूध बहुत ही मुश्किल से निकलता है और हर कोई निकाल भी नहीं पाता है। इसलिए आप अगर आप बरगद का दूध ले सकते हैं ताजा, तो वो तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर आप बरगद का दूध नहीं ले सकते तो आप अच्छी क्वालिटी का शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद दोस्तों इतना डालें कि इसकी गोलियां बन जाएं। शहद या दूध डालने के बाद दोस्तों इसका लूदा बना लें, और इसकी अब आपने गोलियां बना लेनी है। गोलियां दोस्तों आपने लगभग इतनी बड़ी बड़ी इसकी गोलियां बना लेनी है, जितना छोटा मटर का दाना होता है जितना बड़ा, इतनी बड़ी आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। और इन गोलियों को दोस्तों आपने छांव में अच्छी तरह से सुखा लेना है। अब सूखने के बाद दोस्तों आप इन गोलियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों, सिर्फ एक गोली आपने सुबह इस्तेमाल करनी है और एक गोली आपने रात को इस्तेमाल करनी है, हल्के गर्म दूध से।
इस दवा को दोस्तों आपने खाली पेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह भी लगभग नाश्ते के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है और रात को भी, शाम को खाना खाने के बाद रात को आप जब सोने जाएं तब आपने एक गोली को इस्तेमाल करना है। और ये दोस्तों बहुत ही ताकतवर नुस्खा है। इसके दोस्तों कुछ ही दिन इस्तेमाल से आपके लिंग में भरपूर तनाव आएगा, सेक्स की इच्छा बढ़ेगी और टाइमिंग भी दोस्तों आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। और इसे इस्तेमाल करते समय दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, दूध, घी, मक्खन, इन चीजों का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करें। तो अगर कोई भी मेरा भाई इस समस्या से परेशान है तो वो मेरा भाई एक बार हमारा बताया गया ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।